The Daily Show with Munir Memon. Assalamualaikum, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हफ्ते को हकीकी आजादी मार्च का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काफी दिनों से हकीकी आजादी मार्च को लेकर चलती नजर आ रही, जिसमें एक तरीके से बीच में एक तातुल भी आया जब खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उसके बाद यह हकीकी आजादी मार्च की क्यादत असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने संभाली, जिसके बाद बिल आखिर यह हकीकी आजादी मार्च हफ्ते के रोज रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर हुआ। हफ्ते के रोज जो मनाजिर देखे गए यकीनी तौर पे इस लिहाज से बहुत अहम थे कि खान साहब जब जलसा गाह की तरफ तशरीफ ला रहे थे, जिस तरीके से उस सपोर्ट के जरिए स्टेज तक पहुंचे, लोग देखते रहे और उस वक्त काफी सारी आंखें अश्कबार हुई। और ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान की सियासत में जो अदम बर्दाश्त है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी। इस जलसे की कामयाबी थी, नाकामी थी, आखिर जलसे में क्या कुछ था और नाकदीन इस जलसे को किस नजर से देख रहे थे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शायद ये धरना हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि खान साहब वॉयलेशन करेंगे कानून की और इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो पैनलिस्ट है मैं उनका तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ आज स्टूडियो में शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं और अक्सर आप इनको हमारे शोज में देखते हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करें आज कराची में डायरेक्टली हमारे साथ मौजूद है जनाब रिजवान शाह साहब, सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं। और रिजवान साहब, गुफ्तगू का आगाज आज आपसे करते हैं। ये जो हफ्ते को हकीकी आजादी मार्च का जो मरहला पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, एज अ तजियाकार, एज अ एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, किस तरीके से देख रहे हैं आप कि कामयाब था, कामयाब रहा यह सफर, और जो तहरीक इंसाफ इससे अचीव करना चाहती थी क्या वो सब अचीव किया? देखे, जहां तक लोगों का ये ख्याल था, एक ख्वाहिश थी हुकूमत की कि शायद एक तसादुम की कैफियत पैदा होगी और इमरान खान लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ चल निकलेंगे और फिर एक वो आपको पता है एक इसको एक तशद्दुद के तौर पे उनका ये ख्याल था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत देते हुए अपने ऑब्जेक्टिव भी, अपने गोल्स भी अचीव कर ली हैं और उसने उन्होंने जो है वो एक अमन की फ़जा को भी कायम रखा है। वो इस तरीके से कि देखें, तसादुम में इमरान खान कभी भी तशद्दुद और तसादुम की सियासत पे बिलीव ही नहीं करते। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को एक तशद्दुद की सियासत की तरफ उकसाया जाए। वो ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल तरीके से तमाम मसाइल का हल किया जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव उन्होंने इस तरीके से अपने जो थे उनको इस तरीके से उन्होंने कामयाब किया है कि अब वो सियासी तौर पर इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में इस तरीके से आ गए हैं कि उन्होंने तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से पहले ही मुस्ताफी हो चुके, उनसे अलहदगी इख्तियार करने का एक ऐलान। लेकिन जाहिर मैं उसकी तरफ आता हूँ रिजवान साहब, मुझे ये बताएं, ये जो हकीकी आज़ादी मार्च का जो मकसद था वो ये नहीं था कि जो मौजूदा हुकूमत उसको घर भेज दिया जाए, फ्रेश इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करवाया जाए, ये सब कुछ होता हो तो नहीं दिखाई दिया? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ आप हतमी नहीं कह सकते, आपको हर हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। तो बेहतर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये फैसला कि वो इसको सियासी तरीके से ले बजाय इसके कि वो एक तशद्दुद, एक जो है तसादुम की सूरत हाल पर जाए, उन्होंने ये फैसला किया कि इसको एक सियासी तरीके से हल किया जाए। जहांगीर साहब, ये जरा मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, जब खान साहब ने इस हकीकी आजादी मार्च का बिल्डअप किया, पहले तो हमने देखा कि 6 माह तक इस तमाम तर जलसों का, ये रैलीज का एक सिलसिला था और इस मार्च का बिल्डअप किया गया, और फिर बिल आखिर जब ये मार्च हुआ तो एम ये नजर आ रहा था बजायर तौर पे कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये वहां से या तो इंतखाबात की तारीख लेके निकलेंगे या कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंतखाबी अमल होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, रिजवान शाह साहब ने जो बात की है और वो जो है जाहिर है कि उन्होंने तजिया निगार के तौर पर अपने आप को रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी चीन ऐसा एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है कि स्टीरियोटाइप बात की जाती है, जो जो लीडर ने कह दिया उसके अलावा कोई हकीकत नज़र नहीं आती जो ऐसे लोगों को, और वो यही है कि वो ये कह दिया पूरा का पूरा बयान आप जहां देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा,
भाई सोच कहाँ रहे हैं, उसका तज्जिया कहाँ कर रहे हैं, उसका तबसरा क्या कर रहे हैं, उसको हकायक भी तो बताएं, कोई गलतियां भी तो हुई होंगी कि आसमान से उतरी हुई मखलूक है कि जिसके लीडर से गलतियां नहीं हो रही हैं और जो कुछ वो करता है वो ठीक ही करता है। तहरीक इंसाफ का मकसद क्या था, मुझे ये बताया ना। तहरीक इंसाफ का मकसद था कि इंसाफ कायम किया जाए। इंसाफ कहते हैं तंसीफ को, बराबर की सतह पर लाने को। किसी को आप इंसाफ देने से पहले फैसले नहीं सुनाते हैं कि ये आ गया, ये वो आ गया, ये हो गया, ये तो मुफ्तियों का काम। आप कहते हैं कि वो फतवे झड़ते हैं, यहां सबसे बड़े फतवे झड़ने वाले तो ये लोग हैं। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे सिर्फ ये बताएं। सियासी फतवे इंसाफ को तनकीद से इंसाफ का क्या ताल्लुक है? तनकीद का इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। ये तराजू का काम क्या है, खड़े खोटे की तमीज, ऊंचे नीच के बताना, दोनों पहलुओं को उजागर करना। किसी के अंदर आप कैसे कह रहे हैं इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुदाखलत करने दे। इंसाफ का तो मतलब ये है कि आप शासन आपकी तरफ आता है। इंसाफ का मतलब है कि खड़े और खोटे को बराबर रखते हैं। शासन में आपकी तरफ आता हूँ, जानी साहब मुझे ये बताएं, रावलपिंडी में जो साहबान के ऊपर तनकीद हो रही है और उसके बावजूद देखें पिंडी में जो इज्तिमा हुआ, यकीन तौर पर एक बड़ा इज्तिमा था और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 6 माह में जब भी जलसे किए, जब भी रैली निकाली वो बड़ी रही, उसमें लोग आए शामिल हुए, लेकिन जो उसका हकीकी मकसद था वो तो ये होना चाहिए था कि जब वहां से रावलपिंडी से इज्तिमा लौट के आए अपने घरों को, तो इंतखाबी अमल के लिए तैयार होता हुआ नजर आए, इंतखाबात की तारीख लेता हुआ नजर आए। फिल वक्त तक ये सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट के लिए जो एक हवा क्रिएट हुआ कि एक लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद को जैम कर देगा, सारे अतराब की सड़कें बंद हो जाएंगी, सर वो भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गवर्नमेंट बड़ी इजीली तमाम तर मामलात को आखिरी में हैंडल किया और इंतखाबी अमल इस वक्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताइए, काफ लीग की बात कीजिए, समझे आप, तहरीक इंसाफ है, आप जब उनको जो है आप जोड़ लेते हैं, अब ज्वाइंट हो जाते हैं उनसे, तो उनकी सारी बात ठीक लगती है। उनमें क्या जमहूरी, क्या उनमें ताकत है, कितनी सीटें हैं उनको, तो आप जब बैसाखी आप लेकर चलते हो, वो बैसाखी आपके साथ बनाने के लिए होती हैं, वो भाई लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हुकूमत भी खड़ी है ना जहांगीर साहब, आप देखिए, आप पैरेलल एग्जाम देके किसी गलत चीज को हानी कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गलत है। मौजूदा हुकूमत अपने कहने का उसके भी कहूंगा, आप तेरा बेसाखी सवाल करें, बेसाखी है ना, देखिए सवाल तो करें, उसका जवाब भी तो दूंगा मैं। जी आपने कैसे मफरूजा काम कर लिया, सीढ़ी का जिक्र भी तो करें ना, फिर सीढ़ी की बात करेंगे तो सीढ़ी तो पहले दिन से आपके साथ लगी हुई, आपके लीडर ने एतराब किया बार बार कि ये इस्टेब्लिशमेंट थी जो मेरे साथ खड़ी रही और इसने मुझे धोखा इस वक्त दिया कि मेरा हक था कि मुझे मंजिल तक पहुंचाते, बीच से इसको सीढ़ी उठा ली। ये आपकी साख है, ये आपने जो मुझे शाह साहब बात कर रहे हैं, बात करें आपस में वो हो गया। शाह साहब मुझे ये बताएं, बात करें, शाह साहब मुझे ये बताएं, क्या तरीके इंसाफ के लिए जो जहांगीर साहब फरमा रहे हैं, काफ लीग की इसके साथ जो इश्तराक में हुकूमत बनी गई है, बहुत से लोग इस सवाल कर रहे हैं कि उस दिन अगर जलसागाह में परवेज इलाही साहब भी शामिल होते और उस वक्त जलसागाह से परवेज इलाही साहब भी खिताब करते तो शायद तहरीक इंसाफ के बारे में जो अभाम पाया जा रहा है कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट जरूर मौजूद है लेकिन फैसले आज भी उनके हाथ में नहीं है, शायद वो भाग जाता। देखिए ये जो कहेंगे ना, ये जो कहेंगे ना, इनके काफ लीग के लीडर ने कह दिया हम साथ में, आप अपनी टर्न पे बोल रहे ना, हाँ चलिए टर्न टर्न आप टर्न पे बोल रहे, टर्न जैसे बीच में तो आप सब कुछ करना चाहते हैं, टर्न पूरी करें ना, चले आप बात कर, आप बात कर, टर्न पूरी कर लेंगे सर, अच्छा चले चलेंगे, टर्न पूरी नहीं करेंगे तो मफरूज हो, पहले यू टर्न तो खत्म करें, टर्न पूरी करने से यू टर्न पे पूरा होते हैं, चले ठीक, जी शाह ओके ओके, चलो ठीक। देखें ये जो अभाम आपको नजर आ रहा है ये अभाम खत्म हो चुका, चौधरी परवेज इलाही ने अपने वीडियो पैगाम में भी ये अगले दिन बात कह दी जी, और उसी दिन मोनस इलाही साहब ने भी ट्वीट कर दिया था और कंफर्म कर दिया था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और जिस मिनट में वो कहेगा हम सूबाई हुकूमत। लेकिन शाह साहब आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के कुछ पॉकेट, जाएंगे साहब मैं आता हूँ, कुछ पॉकेट्स में इस बात की तशवीश पाई जाती है कि लास्ट मोमेंट कहीं
परवेज इलाही साहब उस तरीके से सपोर्ट ना कर सके, या लास्ट मोमेंट कहीं परवेज इलाही साहब को दूसरी तरफ से ऑफर आ जाती है तो फिर शायद सूरत हाल तब्दील हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा ऐसी कोई तरीके साहब ने एक बड़ी सोच तो पाई जाती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा जो खान साहब ने ऐलान किया है इसके ऊपर पहले वर्क हो चुका था और उसके बाद ऐलान किया गया है इसका, और आज आप देख लेंगे, अभी आपको एक दो दिन के अंदर नजर आ जाएगा ये सूबाई हुकूमतें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप सूबाई हुकूमत टूटने की बात की, असेंबलियां तहलील करने का खान साहब ने कहा कि हम तमाम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए टेक्निकली केपी के में पंजाब में तो उनकी हुकूमत कायम है, क्या असेंबलियां तहलील करना, क्योंकि ये दो ऑप्शन है ना तहरीके, ये एक तो पार्लियामेंट का रुख कर लेती तहरीके इंसाफ और फिर पार्लियामानी अमल में जाके लेजिस्लेशन में हिस्सा देती और वहां से फिर इंतखाबी अमल की तैयारियां शुरू होती, दूसरा तरीका खान साहब ने किया कि असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं, क्या असेंबलियों से बाहर आना इस वक्त आपको लगता है कि बेहतर हिकमत अमलों की तरीके इंसाफ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कौमी असेंबली में खान साहब वापस चले जाते हैं और जो एक बयानिया है कि एक जबरदस्ती हुकूमत को बिठाया गया, एक रिजीम चेंज के तहत एक चलती हुई हुकूमत को बगैर किसी चार्जशीट के गिरा दिया गया और उसके ऊपर जो लोग मुसल्लत कर दिए गए, असल तो मसला यह है कि चार्जशीट भी कोई नहीं इमरान खान के खिलाफ कि उसकी हुकूमत क्यों खत्म की गई, और उसके बाद फिर महंगाई मार्च के बहाने से एक रिजीम चेंज के जरिए आप हुकूमत चेंज कर देते हैं और उसके ऊपर उन लोगों को बिठाते हैं जिनके अगले दिन फर्द जुर्म आयद होना थी, तो खान उसके साथ क्यों बैठे, क्योंकि कौम नहीं पसंद करती। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, एक तरीके का तो ये था, अब खान साहब ने इस ऑप्शन को तो नहीं लिया, अब दूसरी तरफ अगर खान साहब असेंबलियां तहलील कर देते हैं या असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं तो ऑप्शंस क्या होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो फिर भी ऑप्शंस रहेंगे, वो तो कह चुके हैं हुकूमती नुमाइंदे के वो एक इंटरिम गवर्नमेंट वो एक जमीनी इंतखाबात करा देंगे, दीगर मामलात को वो वफाकी सतह पर संभाल लेंगे। जमीनी इंतखाबात कितने करवा सकते हैं, बाय इलेक्शन एक वक्त में कितने करवा सकते हैं सर, बताएं आप इसके लिए कितना प्रोसेस दरकार होगा, इसके लिए कितना टाइम सर नहीं कराएगी गवर्नमेंट, टाल देगी नहीं करवाएगी, तीन साल तक आप देखें खान साहब इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते ही नहीं है, खान साहब चाहते हैं कि हम अलहदा हो जाए, आपने जो करना है वो आप करें, अगर इंतखाबात की डेट देते हैं तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार है, अदरवाइज हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनने का मतलब ये इख्तदार में आएंगे तो ये लोग मर जाएंगे, कोई हादसा हो जाएगा इनके साथ। अबे भाई जमहूरी निजाम है, उनको सामने रखना पड़ेगा, आप जो है आज अगर अपोजिशन आप कहां असेंबली में जाते हैं ना कि क्या खान साहब असेंबली में ना जाके मौजूदा हुकूमत का किस तरीके से सपोर्ट मिल रही है? आप कहते हैं कि हम जो है ना सिलेक्टेड जो है वो हुकूमत नहीं है वहां थे, तो अब मसी की बात है, सिलेक्टेड आप हुकूमत नहीं थे तो आप क्यों रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो हमारी खैर खाई नहीं रखती भाई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक ही बता देना, दो चीजें लेके आप जो ना दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रही, अब जमहूरी कुवतें हैं वो आप असेंबली में जाते हैं। ये तो नहीं कहा जांगे साहब, ये तो नहीं कहा खान साहब ने कि एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, एस्टेब्लिशमेंट अब अपने आप को न्यूट्रल कर रही है तो फिर वो बात तो भाई मजे की बात है, न्यूट्रल कर रही है, न्यूट्रल कहां मानते हैं उसको, तो वो हैवान कहते हैं उसको, तो जानवर कहते हैं, न्यूट्रल ही मान लो ना कि ना इधर के ना उधर के, तकलीफ ही उस बात की है उधर उनका झुकाव है। ऐसा मुझे बताएं कि जो एस्टेब्लिशमेंट पिछले 70 साल तक खुद को न्यूट्रल ना रखते हुए अचानक 70 साल बाद न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर सवाल तो उठाए जाएंगे ना, ये जो कांग्रेस का सरबरा है दोनों से हलफ उठा के आया, मिठाइयां बांट के आया और पांच मिनट बाद इधर खड़ा था, उस पर तो आपको यकीन है फतवा है कि उन्होंने कह दिया हमारी मीटिंग हो गई। था कहां पे खड़ा था, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी अगर खड़ा था तो इस वक्त तक तो टूट जाती। अच्छा, इसका मतलब है आप ऐसे आदमी को टूट जाती परवेज इलाही के ऊपर ही फोकस करके बैठे हुए हैं, आगे बढ़े ना आप बताएं, आप बड़ी चलो मैं हट जाता हूँ आपकी खातिर, हट जाता हूँ, खाली काफ काफ किए जा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता आप काफ ना करें, मुझे साफ तो मालूम ही नहीं आपको जानी साहब, मुझे ब्रेक का जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जरा डिस्कस करते हैं, असेंबलियां तहलील करने के बाद भी क्या ऑप्शंस रहते हैं तहरीके इंसाफ के पास के नहीं, एक ब्रेक लेते हैं सर, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होगा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।